नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राम एकेडमी में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें कि मैंने पूरे चैप्टर का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पूरा वो फ्लो चार्ट लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें चलिए शुरुआत करते हैं क्रॉप की डेफिनेशन से, देखते हैं क्रॉप के बारे में। यहाँ पे वन टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन ऑन लॉन्च के एक ही यहाँ पे था क्या, एक ही प्रकार की क्रॉप होनी चाहिए और वो कहाँ पर ग्रो करे, एक लार्ज स्केल पर ग्रो करे, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। तो ये थी क्रॉप की डेफिनेशन। इधर दिया गया हमारा छोटे से में डिस्क्रिप्शन दिया गया कि क्रॉप के टाइप्स क्या हैं। तो ये था खैरिफ क्रॉप जो कि रेनी सीजन उगती है, रबी क्रॉप। इधर मैं लिख दे रहा हूँ खैरिफ क्रॉप का, ये इनका टाइम पीरियड जून टू सितंबर जैसा हम लोग जानते हैं। और नेक्स्ट क्रॉप है हमारी रबी क्रॉप, इनका टाइम पीरियड होता है अक्टूबर टू मार्च। इसके बाद है हमारा, क्योंकि इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर आता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे। आइए एक और टॉपिक इसके पहले जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर ये एक ब्रांच है साइंस की, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स यानी कि एक ऐसी ब्रांच, आप सभी लोग जानते हैं, एक ऐसी ब्रांच साइंस की जो कि किससे डील करती है, कल्टीवेशन यानी क्रॉप की कल्टीवेशन से, उनकी ग्रोइंग से, जो साइंस की ब्रांच डील करी उसी ब्रांच का नाम है एग्रीकल्चर। तो ये था हमारा, इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर और प्रैक्टिसेस के। जो सात एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमने पढ़ी है उसके बारे में एक एक करके बढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमारा पहला था, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने पढ़ा था कि इसको मिट्टी तैयार करना हमारे, इसमें हमने तीन तरीके से मिट्टी को तैयार किया था। पहला था हमारा प्लोइंग, दूसरा था लेवलिंग और तीसरा था मैन्यूरिंग। तो इन तीनों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो चुका है। इसके बाद कौन कौन से टूल्स हमने यूज किए थे, मतलब यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने किस किस चीजों का इस्तेमाल किया, किन टूल्स का इस्तेमाल किया, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। प्लो, प्लाव का यूज था, तो प्लाव के तीन पार्ट थे, बीम, प्लोशाफ्ट और प्लोश्रेयर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। दूसरा है हो और तीसरा कल्टीवेटर जो कि एक जो कि लार्ज फील्ड्स पे यूज होता है। आइए अब एक बार और एक बात और जानते हैं इसमें कि जो टूल्स यूज किया, अब क्यों सॉइल को हमको प्लो करना है या फिर हमको क्यों प्रिपेयर करनी है सॉइल। हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो जानते हैं, इसका एक बार फिर से दोबारा से रिकैप। एक बार रिकैप देखते हैं इसका कि क्यों यूज करनी है। हमारी सॉइल जो होती है, सॉइल लेवल, सॉइल जो ग्राउंड सॉइल होती है वो हार्ड होती है, इसलिए हार्ड सॉइल को हमको सॉफ्ट करना, सॉफ्ट बनाने के लिए कौन से दो प्रोसेस थे हमारे, टर्निंग एंड लूजनिंग। तो ये दो प्रोसेस थे जिसकी जो कि हमको करने रहते थे। और इससे एक और फायदा जो हमको होता था, जब हम सॉइल को टर्न एंड लूज करते थे तो जो नीचे की सॉइल होती है, मैंने आपको बताया था नीचे की सॉइल में न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा था, क्योंकि ऊपर की सॉइल जो होता है न्यूट्रिएंट होता है वो हमारी क्रॉप यूज कर चुकी होती है, तो नीचे वाली सॉइल ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली सॉइल नीचे चली जाती है, तो इससे जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल रहती है वो ऊपर आ जाती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्यों हम लोग प्रिपेयर करें सॉइल को। और उसके बाद था लेवलिंग, क्योंकि जो है हमारा जो सॉइल है, मतलब जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हल्की हल्की मिट्टी आ जाए तो सब सॉइल उड़ जाएगी, तो इस वजह से, और या फिर पानी से ड्रेन होता है, तो इसी को मैंने एक टर्म दिया था सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन टर्म दिया था। तो इसी सॉइल इरोजन होता है, तो इससे बचाने के हम लोग लेवल करते हैं, एक लेवलर से दबाते हैं, तो उस मशीन का नाम क्या है, लेवलर। ये था लेवलिंग का। और मैन्यूरिंग आप लोग जानते हैं, जिससे कि मैन्यूर अच्छे से मिक्स हो जाए, क्रॉप लगाने से पहले ही मैन्यूर अच्छे से मिक्स हो जाए सॉइल में, जिससे कि हमारे प्लांट्स को, क्रॉप्स को लगातार न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। तो ये था इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में।
इसके बाद हमारा दूसरा है सोइंग। इसमें पहले चीज हम जानते हैं कि पहले बीज को बोने से पहले हमको उनका सिलेक्शन करना है, जैसा आप लोग जानते हैं। तो हम उनको कैसे किए थे, एक एक्टिविटी टाइप का था हमारा, तो आइए देखते हैं एक बार। ये हमारा मान लीजिए ये हमारा बकेट है, इसमें हम कुछ लेवल तक पानी भरेंगे, वाटर। मान लीजिए ब्लू कलर आपका वाटर है और आपने इसमें सीड्स पुट किए। जब आप सीड्स पुट करेंगे तो आपको कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ सीड्स आपके यहाँ पे, ज्यादातर सीड्स आपके यहाँ पे सिंक कर गए, यानी कि डूब गए हैं, और कुछ सीड्स थोड़े बहुत ही यहाँ ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे। तो ये जो ऊपर फ्लोटिंग सीड्स है, ये है बैड क्वालिटी सीड। और ये जो नीचे है एकदम आपके यहाँ बॉटम जो सिंक गए हैं, ये है गुड क्वालिटी सीड, क्योंकि जो बैड क्वालिटी सीड होते हैं वो खोखले होते हैं और हल्के होते हैं, इसी वजह से ऊपर तैरते हैं। ये बात आप जानते हैं, आपको मैंने सोइंग वाली वीडियो में बताई थी। इसके बाद आता है सोइंग में हमारा कैसे सोइंग करेंगे, इस बात का हमारा आता है। तो सोइंग हम दो प्रोसेस से करते हैं, एक है ब्रॉडकास्टिंग, और दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग माने आप हैंड से करें, बाय हैंड लिख सकते हैं, बाय हैंड। और दूसरा हमारा है सीड ड्रिल, जो कि मॉडर्न है, और जो ट्रेडिशनल यानी पुराने समय में यूज होता था उसका नाम भी ना भूलें, उसका नाम होता है बिग फनल, जो कि प्लाउइंग के समय ही उसे मतलब उसका भी यूज करके सीड सो कर दिया जाता था। तो ये था आपका सोइंग का एक पूरा रिकैप। इसके बाद आता है हमारा एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि खाद और उर्वरक को डालना, ऐड करना। मैन्यूअर, इनके बारे में थोड़ा आपको डिस्कशन देते हैं। मैन्यूअर ये ऑर्गेनिक होता है, यानी कि नेचुरल सब्सटेंस होता है, फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। ठीक है, ये कैसे प्रिपेयर होता है, किस प्रोसेस से, हमने आपको बताया था कि एक पिट में डाल दीजिए तो वो क्या कहते हैं, आपको जो मैन्यूअर डालेंगे उसमें आपके अर्थवर्म्स आपका का वर्किंग शुरू कर देंगे। तो इस प्रोसेस का नाम था वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस से इनका इनको प्रिपेयर किया जाता है पिट में, जो कि एक गड्ढा होता है। इसके बाद जो होता है वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस का भी हो गया। इसके बाद आते हैं हम अपने फर्टिलाइजर्स पे। या इनऑर्गेनिक साल्ट, ये सिर्फ इनऑर्गेनिक से वर्क नहीं चलेगा, इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं ये। और दूसरा है इनका पॉइंट, ये प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज। ये कहाँ पे प्रिपेयर होते हैं, यहाँ पे कहाँ तैयार किए जाते हैं, फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं। ये बात भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है। और कुछ चीजें जाने इनके बारे में, ये प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइड मोर न्यूट्रिएंट टू द प्लांट, यानी प्लांट को न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं मैनोर की तुलना में। लेकिन एक और चीज ध्यान रखिए, नो ह्यूमस प्रोवाइडेड, यानी कि इनके द्वारा, फर्टिलाइजर्स के द्वारा कोई भी बिल्कुल भी ह्यूमस नहीं प्रोवाइड होता, जबकि ये ज्यादा ह्यूमस देते हैं। तो ये था हमारा एडिंग मैनोर एंड फर्टिलाइजर्स के ऊपर का डिस्कस, बात के ऊपर का डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इरिगेशन। आप इन सभी की नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट आपके डेली के रिविजन में भी काम आएंगे। आइए देखते हैं इरिगेशन का। इरिगेशन में हम पहले जाने कि इरिगेशन होता क्या, सभी लोग जानते हैं, सप्लाइंग ऑफ वाटर। टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल पे जब हम इनको बराबर अंतराल पे जब हम इनको पानी पहुंचाते पेड़ों को, तो उसी को हम इरिगेशन कहते हैं। इनके ट्रेडिशनल मेथड जो होते हैं
जो ट्रेडिशनल मेटड 4 मेटड होते हैं, मोट, चेन पंप, ढेकली, राहत, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने, बस नाम याद रखिए। मॉडर्न मेथड ड्रिप और स्प्रिंकलर, इसका मैं आपको थोड़ा सा मॉडल इसके मतलब फिगर्स आपको समझाता हूँ। तो इसके कुछ फिगर्स हो जाएंगे ऐसे, एक यानी कि कुआं, सीधा पानी को रूट तक पहुंचाना। यहां पर रूट डक डायरेक्टली ड्रॉप बाय ड्रॉप देना, यहां पे रूट को देता है, सीधे रूट तक पहुंचाता है और क्या देता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म थे इसमें। बूंद बूंद करके पानी देता है और ये रूट तक डायरेक्टली पहुंचा, यानी कि पेड़ की जड़ तक सीधा सीधे पानी पहुंचा देता है ये। और स्प्रिंकलर सिस्टम में ये वो रेनिंग की तरह दिखता है, यानी कि ऊपर से परपेंडिकुलर पाइप से ऐसे प्रॉपर होती हैं, यहाँ पे ऊपर रोटेटिंग नोजल, रोटेटिंग नोजल्स जो कि यहाँ पे आप जो क्रॉप होंगे उनको डायरेक्ट वाटर ऐसे इरिगेट करता है, वाटर से डायरेक्टली इरिगेशन करता है। वो वाटर रोटेटिंग नोजल घुमा के पानी फेंकता है, जो जो कि प्रेशर के साथ में वाटर आता है तो ऊपर तक निकलता है और उससे हमको लगता है कि जैसे बारिश बारिश का पानी होगा। और एक और चीज़ याद रखना है यहाँ पे होगी कि वाटर कंजर्विंग के लिए जो दो प्रेशर वो होते हैं, मतलब मोड होते हैं इरीगेशन के, वो है ड्रिप और स्प्रिंकलर, क्योंकि ये बेकार में पानी को वेस्ट नहीं होने देते हैं। इसमें इस तरीके का सिस्टम, ये ड्रॉप बाई ड्रॉप जितनी जरूरत उतनी ले लो, इसमें भी इतना बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता है। ये ऐसी जगह हो सकता है जहाँ पे पानी की कमी है, ऐसी सॉइल्स खास करके सैंडी सॉइल भी इनका इम्पोर्टेंस होता है, सैंडी सॉइल पे इनका ज़्यादा यूज होगा। आगे डिस्कस करेंगे हम आपके इसके बाद होगा हमारा वो होगा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स का। आइए आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स का हम जानते ही हैं, देखते हैं ऐसे अनवांटेड जो कि हमारी जो जिनको जिनको हम ना पसंद करें वो यहाँ पर ना रहे, ऐसे अनवांटेड ऐसे प्लांट्स जिनको हम नहीं चाहते कि हमारी फील्ड में ग्रो करें, लेकिन वो ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि हमारे क्रॉप के बीच में ग्रो करते हैं, क्रॉप के साथ में ग्रो करते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था कि क्रॉप को हटाना है, यानी कि वीड्स को हटाना है, अगर हमको जो हमारी क्रॉप के बीच में वीड्स हैं उनको हटाना है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस से हम वीड्स को हटाते हैं उसी प्रोसेस को हम टर्म क्या देते हैं, वीडिंग, यानी कि द प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट आउट द वीड्स, वी किल आउट द वीड्स फ्रॉम आवर सॉइल और बिटवीन द क्रॉप इज कॉल्ड वीडिंग। तो वीडिंग दो तरीके से होती है, हमारी मैन्यूअल और दूसरी होती है केमिकल। ठीक है, तो मैनुअल से क्या होता है, हैंड से यानी कि अगर हाथ से पुल करके उसको अगर उखाड़ते हैं जमीन से तो उससे क्या कहते हैं हम, मैनुअल में आएगा बाय हैंड, और ट्रॉवल यानी कि खुरपी से करें, खुरपी से भी करते हैं तो भी उसे क्या कहेंगे, वो भी इसके अंदर में आएगा मैनुअल के अंदर। केमिकल में आता है वीडिसाइड, यानी कि आपको मैं बता ही चुका हूँ यहाँ पे, अगर थोड़ा सा मैं आपको अगर बताना भी चाहूँ, यहाँ पे जरा देखिएगा वीडिसाइड यहाँ पे मैंने आपको बताया था, साइड का मतलब होता है किल करना, किल, हाँ, अब किसको किल कर रहा है, वीड को, ऐसे ही होता है वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और ईटीसी। तो इसके एक एग्जांपल है 2,4-D और MPCA, तो ये सब एग्जांपल थे इसके, क्योंकि इसके एग्जांपल पे भी क्वेश्चन बनते हैं इसलिए। और अगला है हमारा हार्वेस्टिंग, यानी कि इसको हम भी जानते हैं, जब क्रॉप पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाते तो उसे कट करना होता है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो ये अब कैसे होती, किस किस टूल्स की सहायता से होती है, अब ये आगे देखेंगे। इट इज डन बाय सिकल, यानी कि हंसिया होती है, इसका स्ट्रक्चर भी कई लोग जानते होंगे,
कुछ इस प्रकार का होता है इसका स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं सिकल सेल होता है हार्वेस्टर, एक मशीन ही है, आप लोग सभी जानते हैं। कंबाइन जो होता है ये कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर होता है। तो अगर आगे जानते हैं थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग सभी लोग जानते हैं, जो हमारा चाफ होता है उससे जब हम लोग अलग करते हैं अपने ग्रेन को, तो उसी उसी प्रोसेस को हम टर्म करते हैं थ्रेशिंग। तो इसका जो ट्रेडिशनल मेथड था वो था कि एक सर्किल में, ऐसे यहाँ पर अगर आपको बताऊँ, एक ऐसे सर्कल होगा था जिसपे जो एनिमल्स को चलाया जाता था, जिससे कि चाफ जो होता था वो ब्रेक हो जाता था और ग्रेन अलग होते थे, और जो चाफ होते थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता था, जो कि जिसको हम इसमें कह सकते फोडर, FODER, फोडर, जो कि एनिमल्स के, उन एनिमल्स के कैटल्स के भोजन के रूप में भी यूज हो जाता था। तो ये था पुराना सिस्टम थ्रेशिंग का। और इस समय यूज होता है थ्रेशर, जो कि एक मशीन है, इनका यूज होता है। कंबाइन जो होता है वो थ्रेशर और हार्वेस्टर दोनों होता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक जो होता है, ये जो हमने हम फोडर बना ले रहे थे फ्री में ही, अपना फोडर बना लेते थे अपने एनिमल्स के लिए, वो नहीं हो पाएगा इससे। कंबाइन में कोई भी फोडर फॉर्म नहीं हो सकता है। और फिर ये हो चुका हमारा थ्रेशर और थ्रेशिंग। आगे आता है हमारा विनोइंग प्रोसेस। ये जानते हैं कोई भारी और हल्की, अगर कोई भारी और हल्की चीज का मिक्सचर है, उसको अगर हमको सेपरेट करना है, अगर हम हाथ से सेपरेट करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसी वजह से इसको हम हवा उछाल देते हैं। हवा के जो हवा का झोंका रहता है वो जो हल्की चीज़ होती है, यानी कि यहाँ पर हल्की चीज़ हमारी क्या होगी, ये फोडर ही होगा हमारा, तो वो फोडर अलग आगे जाके गिरता है, और जो हमारा ग्रेन होता है क्योंकि वो भारी होता है तो वो वहीं नीचे गिर जाता है। तो इस वजह से फोडर भी अलग हो गया और हमारा ग्रेन भी अलग हो गया। फोडर जो है एनिमल्स के यूज में आ सकता है और अपने यूज में क्या आ सकता है, ग्रेन आ सकता है। लेकिन इस प्रोसेस में हमको विनोइंग की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये हे को अलग हो जाता है, सीधे सीधे क्रॉप को, मतलब जो ग्रेन होता है वो आ जाता है, उसे हमको विनोइंग प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये था हमारा हार्वेस्टिंग का। इसके आगे आते हैं स्टोरेज पे, जो कि लास्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। ये स्टोर किया जाता है हार्वेस्टेड क्रॉप, स्टोर हम इसलिए करते हैं क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करना था रैट्स, रोडेंट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। और हम एक और स्टेप इसमें करते हैं कि इनको हम सन में रख देते हैं ड्राइड, सूखने के लिए ड्राइड इन सन टू रिड्यूस मॉइस्चर, मॉइस्चर रिड्यूस करने करते हैं, जिससे कि यहाँ पे फंगस या फंगाई का ग्रोथ ना हो, फंगाइस और मोल्ड्स का, ठीक है, जिससे कि, क्योंकि फंगस और मोल्ड जो होते हैं ये बहुत फास्ट ग्रो कर जाते हैं। कहाँ पर मॉइस्चर, जहाँ पे भी इनको मॉइस्चर मिल जाएगा वहाँ पे ये बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। तो फिर इनको लार्ज स्केल पे कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं, साइलूज में, साइलू और जो कि एक तरीके का बिग टैंक होता है, और दूसरा है ग्रैनरी जिन्हें हम गनी बैग्स कहते हैं। और ड्राई नीम लीव जो होती है उसके पास प्रतिरोधक क्षमता होती है किसके अगेंस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति इसके पास प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे कि ये क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकते हैं। आगे हमारा है एनिमल हस्बेंड्री। आइए देखते हैं कभी एक ओवरव्यू। आइए, ये एक फीडिंग, इसको फीड करना होता है, पालना, एनिमल्स को पालना एक बहुत ज्यादा मात्रा में, कहा किस लिए, ओपन भोजन पाने के लिए। एनिमल्स को जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में पालते पोसते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्या टर्म देते हैं, एनिमल हस्बेंड्री टर्म देते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि इसमें कि फूड, अब एनिमल हस्बेंड्री को हम जानते हैं कि क्या क्या वो होती हैं, शर्तें होती हैं, क्योंकि ये लार्ज स्केल पर होगा और फीडिंग होगी एनिमल्स की, और किस लिए होगी, ऑब्टेनिंग फूड के लिए होगी। आगे हम जानेंगे फूड फ्रॉम एनिमल, एनिमल्स के द्वारा जो हम पाल रहे हैं ये फूड, इनके द्वारा मिलने वाले फूड। तो दो तरीके के फूड होते हैं, एक मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, दो तरीके के एनिमल्स होते हैं जो कि हमको फूड देते हैं, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स और मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स। तो मिल्क में आ जाते हैं हमारे बफेलो, गोट एंड काउ, यहाँ पे ऊपर काउ है, सॉरी काउ, बफेलो एंड गोट, ये तीन थे हमारे मिल्क यील्डिंग। इनके प्रोडक्ट हम जानते हैं मिल्क, घी, कर्ड, पनीर, चीज। इसके आगे आता है हमारा मीट एंड एग, जो मीट और एग को होता है, मतलब मीट और एग से जो हम मीट और एग देने वाले जो एनिमल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मीट एंड यील्डिंग एनिमल्स, या फिर गोट से हमको क्या मिलता है, सिर्फ मीट ही मिलती है, शीप से भी हमको मीट ही प्राप्ति होगी,
फिश से भी मीट की ही प्राप्ति होती है, मीट का ही हम देते हैं, लेकिन पाउल्ट्री जो होता है ये एक अलग से ही एनिमल हस्बेंड्री की पार्टी। लेकिन यहाँ पे किसकी फ्रीजिंग होती है, हैंड चिकन एंड डक की। इनके द्वारा हमको क्या मिलता है, इनके द्वारा हमको एग मिलता है, इनके द्वारा हमको क्या मिलता है, एग मिलता है। और आगे की चीज़ें तो मिल ही सकती हैं, आगे जो हमको होगा मीट तो सभी से मिलेगा, इसमें सभी से मिलेगा मीट। लेकिन यहाँ पे इन तीनों के द्वारा हमको एग मिलता है, लेकिन यहाँ पे गोट हमको पता है एग नहीं देगी, शीप भी नहीं देगी, फिश भी नहीं देगी, पाउल्ट्री भी नहीं देगी। तो यहाँ पे हमारा था प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स का, वीडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स का था, हार्वेस्टिंग था, स्टोरेज था। तो अब आप इन सभी चीज़ों को नोट बना लीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।